पाकिस्तान के ऊपर सारा प्रेशर डालना, और वो एक बहुत अच्छी डायवर्जन होती है, क्योंकि जो भी कश्मीर की सूरत हाल है वहाँ पे हिंदुस्तान के अपने जो है कमेंटेटर्स वो ये कह रहे हैं कि ये आज की सूरत हाल 1990 से भी खतरनाक है, जब वहाँ पर एक बाकायदा फुल स्केल इंसर्जेंसी और आज़ादी की तहरीक पैदा हुई थी। तो वो तो इस वक्त संभली नहीं जा रही, और वहाँ पर आपने देखा अभी हालिया दिनों में कि वो जो इंडियन आर्मी ने एक टैंक के आगे एक कश्मीरी को बांध कर ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया, और जिसकी के हिंदुस्तान के अंदर भी उनके लिबरल हलकों ने मुजम्मत की, उन्हीं अफसर को एक बहुत बड़ा मेडल दे दिया गया है उनकी बहादुरी के सिलसिले में। तो इससे जाहिर बात है कि जो कश्मीरी आवाम है उसमें और भी गुस्सा बड़ा है वहां पर मकबूजा कश्मीर में। तो जो ये डायवर्जन का टैक्टिक बड़ा देखिए कारामद होता है, जब भी ऐसा मामला हो सारा कुछ पाकिस्तान पे डाल दो और लोगों की तवज्जो डाइवर्ट करें कि वाकई इंडिया की अपनी जो मैनेजमेंट और इंडिया का अपना जो रिश्ता है कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और जम्मू के साथ, उसमें कितनी मसाइल हैं। जी और ये बात सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं है महदूद, ये हम भी करते हैं बदकिस्मती से। हमारा भी यही तरीका होता है कि जब भी कोई हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहते तो हम फौरन हेड को ले आते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो या कोई और हो पावर। तो मसला ये है कि इसका हल तो सिफारती हल ही है और कोई हल नहीं है। जी देखिए, जंग से तो ना अमन आएगा और ना ही कोई एक फरीक दूसरे को शिकस्त दे सकेगा, क्योंकि हमारे दरमियान न्यूक्लियर एक एक तरह से वो पैरिटी आ चुकी है। तो दोनों फरीक एक दूसरे को जंग में तो नहीं कर सकते। अब रह जाती है सफारतकारी और डिप्लोमेसी, उसमें वहां पे हमारी कमजोरी है, मैं ये समझता हूँ। हिंदुस्तान की इज्जत भी है, और हमारे यहाँ से भी मसला ये है कि हमारे यहाँ भी कोई एक खास किस्म की लीडरशिप नहीं है फॉरेन ऑफिस में जो कि इस मसले को डिफ्यूज